जोहार सिंडेगा, नागपुरी न्यूज कर यूट्यूब चैनल में राउर मन का स्वागत है। मोए सुमन लगड़ा राउर मन के बीच में उपस्थित हूँ। जिला कर सब छोट बड़ समाचार कर संगे राउरे मन हमारे न्यूज चैनल में नवा ही हले चैनल के सब्सक्राइब कर ले और संगे संगे लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर कर। धन्यवाद। खरवार भोक्ता समाज विकास संघ केंद्रीय महासचिव जगन्नाथ सिंह भोक्ता एगो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते कहले, परिश्रम और आंदोलन कर बदौलत हमरे मन अलगे अलगे बटल रही, मुदा एक संग जुट के हमरे के आदिवासी कर दर्जा देल जाहे, जेकर से समाज बहुत खुश आहे और हमरे गर्व महसूस करत है कि आज हमरे आदिवासी कर दर्जा पाई जाही। जे हमर समाज लगिन एगो चुनौती भी है कि कैसे हमरे समाज का शैक्षणिक स्तर के ऊपर उठा पारब और आर्थिक सुधार हमरे मन करेक पारब। इक संगे संगे राजनीतिक भागीदारी भी सुनिश्चित करे लगिन हमरे मन एकजुट होकर प्रयास कर थी। भाजपा किसान मोर्चा कर दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल कर सह प्रभारी एवं संघ कर अध्यक्ष गुमला संरक्षक मंगल सिंह भोक्ता कहले, 2024 चुनावी साल है के इस साल में समाज द्वारा चुनाव लड़े का निर्णय लेल जा है। कहले कि एखन हमर समाज द्वारा कोलेबीरा सिमडेगा और चतरा में निश्चित रूप से उम्मीदवारी दावा ठोकल जाये, हमरे भी उम्मीदवार के मैदान में उतराब। उनका द्वारा कहल गेलक समाज के आज तक वोट कर बैंक मानल जात रहे, लेकिन आज हमरे मन वोट मांगे कर काम करब। जिला परिषद का डाक बंगला में खरवार भोक्ता समाज विकास संघ तत्वाधान में विशेष बैठक करल गेलक, जेकर अध्यक्षता केंद्रीय महासचिव जगन्नाथ सिंह भोक्ता द्वारा करल गेलक। बैठक का शुरुआत महानायक अमर शहीद नीलाम्बर शाही भोक्ता व पीताम्बर शाही भोक्ता कर फोटो में फूल माला चढ़ाते करल गेलक। बैठक में समाज कर विकास, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान सहित और मुद्दा में चर्चा करल गेलक। समाज कर मजबूती और विस्तार लागिन खरवार भोक्ता समाज विकास संकर प्रमंडलीय कमेटी कर गठन करे कर निर्णय लेल गेलक, जेकर लागिन 4 और 5 फरवरी के 2 दिवसीय सामाजिक सम्मेलन कर आयोजन करते कमेटी कर गठन करल जाय, जेकर में केंद्रीय समिति कर पदाधिकारी सहित रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा कर पदाधिकारी मन उपस्थित रहबे। दोसर दिन प्रमंडलीय समिति कर घोषणा करल जाय और शहर में रोड शो करल जाय। महासम्मेलन का समापन कर दौरान एगो समारोह कर आयोजन करल जाय, जेकर में पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के बुलाल जाय। बैठक में मूल रूप से प्रमंडलीय समिति का संयोजक विश्वनाथ प्रधान, भाजपा किसान मोर्चा का दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल कर सह प्रभारी मंगल सिंह भोक्ता, गुमला जिलाध्यक्ष जीतू प्रधान, केंद्रीय समिति सदस्य सुदर्शन भोक्ता, पूर्व केंद्रीय संगठन मंत्री बलराम प्रधान, घुसी सिंह, महिला मोर्चा कर कार्य समिति रिखी मुनि देवी, जिलाध्यक्ष बसंत प्रधान, लोहरदगा जिला संयोजक राजमोहन भोक्ता, रूपधर सिंह, शिव प्रसाद सिंह, धनेश्वर सिंह, गुमला जिला का सचिव भरत प्रधान, कृष्णा प्रधान, हीरा प्रधान, सतीश प्रधान, वेद प्रकाश, सूरज सुरजन प्रधान, खूंटी जिला से लालचंद प्रधान, कर्मनाथ प्रधान, अरुण प्रधान, वंदना प्रधान, रांची जिला से विश्राम प्रधान सहित और मन उपस्थित रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हम लोग का इस कार्यक्रम में बहुमूल्य समय दिए हैं। बहुत ही प्रयास के बाद अपना सही मूल अस्तित्व पहचान की लड़ाई हम लोगों ने लड़ा है और आदिवासियत का पहचान हम लोगों ने लिया है, और जो मेरा मूल अस्तित्व की पहचान थी, आज की बात है कि आज सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक से जो भी पिछड़े हुए हैं, लेकिन इतना तो है इस बार का राजनीतिक हम लोग का भागीदारी रहना चाहिए, इसीलिए हम लोग तत्पर हैं और पूरे दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल का हम लोग गठन कर रहे हैं, ताकि आज तक हम लोगों ने वोट देने का काम किया है तो लेने का भी अधिकारी बनते हैं, इसीलिए जहां तक हो सके तो कोलेबीरा और सिमडेगा दो जगह हम लोग उम्मीदवार उतारने का सोचे 2024 में। बहुत मेहनत से और बहुत लगन से समाज के सभी जो भी हम लोग राज्य में रहते हैं सभी के सहयोग से बहुत अरसे के बाद हम लोग को जो जनजातीय का जो दर्जा प्राप्त होना था नहीं मिल पाया था वो हुआ, उसके बाद हमारे समाज में बहुत ज़्यादा खुशी है। लेकिन खुशी के साथ हमारे समाज में चुनौती भी है कि हमारा समाज कैसे शैक्षणिक स्तर ऊँचा हो, कैसे उसका आर्थिक स्थिति सुधार हो, कैसे हमारे समाज के लोग का राजनीतिक भागीदारी हो, इस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इसी उद्देश्य से यहाँ जिला के लोग आए हुए हैं और सभी के सहमति से, सभी के निर्णय से यहाँ पर एक प्रमंडलीय कमेटी का गठन किया जाएगा
और उसी कमेटी के माध्यम से समाज के हर सुख हो दुख हो सभी का निराकरण किया जाएगा और हम लोग समाज कैसे सुदृढ़ हो, कैसे मजबूत हो, कैसे संगठन रहे, इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम को हम लोग कर रहे हैं। तो 2024 चुनावी वर्ष है, तो समाज की ओर से कोई उम्मीदवार भी इस क्षेत्र में दिया जाएगा? देखिए, तो समाज का डिसीजन है, लेकिन निश्चित तौर पर समाज चुनाव लड़ेगी। सोलिविता विधानसभा है, सिमडेगा विधानसभा है, निश्चित चुनाव लड़ेगी समाज। ये समाज का डिसीजन है। समाज कितने सीट में अपना प्रत्याशी पाएगा? समाज अभी तो हम नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक मुझे जानकारी है, कोलेबिरा सीट और सिमडेगा सीट इधर निश्चित रूप से हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और चतरा लोकसभा सीट हम लोग निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष सह खूंटी लोकसभा कर प्रभारी बंधु तिर्की डिलिस्टिंग मुद्दा में प्रेस वार्ता करते कहले, आगामी 3 महीना कर बाद में लोकसभा कर चुनाव है। इस साल झारखंड में विधानसभा कर भी चुनाव है। इस चुनाव में आरएसएस और भाजपा जेतरी, छत्तीसगढ़ में ईसाई आदिवासी और सरना आदिवासी कर बीच में फूट डाल के वोट का ध्रुवीकरण कर लें और छत्तीसगढ़ में सफलता भी पा लें। भाजपा यह फार्मूला के झारखंड में भी दोहराए चाहते। झारखंड प्रदेश में भी आदिवासी मन के लड़वाई के आरएसएस और भाजपा वोट कर ध्रुवीकरण करे कर प्रयास करते थे। 24 दिसंबर के जनजातीय सुरक्षा मंच द्वारा आयोजित रैली में डिलिस्टिंग जैसन संवैधानिक मांग करते ईसाई आदिवासी मन कर आरक्षण समाप्त करे कर बात कहल गेलक, जबकि आरक्षण जाति कर आधार पर मिले न कि धर्म कर आधार पर। उनकर द्वारा आयोजित रैली में एगो भी आदिवासी हित कर बात नहीं कहल गेलक, न सरना धर्म कोड पर चर्चा करल गेलक, न ही जमीन बचाए कर बात कहल गेलक। रैली में सिर्फ आदिवासी और ईसाई सरना आदिवासी में जहर उगले कर काम करल गेलक। आदिवासी मनकर ही तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी द्वारा करल जायला और उमन के सुरक्षा प्रदान भी करल जायला। भाजपा आदिवासी कर जमीन के लैंड बैंक बनाए के आदिवासी मनकर जमीन के लूटे कर योजना बनाते। जमीन लूटे वाला मनकर खिलाफ हमरे मनाही, हमरे भगवान बिरसा मुंडा, फादर हाफ मैन, फादर लिवंस द्वारा बनाल जमीन बचाए कर कानून पर विश्वास करीला। इके लेके 4 फरवरी के रांची में ऐतिहासिक एकता महारैली का आयोजन करल जाये। सिमडेगा वासी मन से आग्रह है कि भारी से भारी संख्या में भाग लेके रैली के सफल बनाए। बीजेपी और आरएसएस कर मनसा के बेनकाब करे कर पर्दाफाश करे। रैली लगी जॉनसन मिन्स के जिला संयोजक बनाल जाए। मौका में झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल तिर्की, जिला प्रवक्ता रणधीर रंजन, आदिवासी जिला अध्यक्ष अनूप लकड़ा, अरमान खान सहित और उमन उपस्थित रहें।